देश भर में लॉकडाउन का तीसरा चरण सोमवार से शुरू हो गया है, जिसको लेकर अलग अलग जनपदों में प्रशासन द्वारा व्यापारियों और लोगों को राहत प्रदान की गई है। वहीं काशीपुर में व्यापारियों और जनता को दी जाने वाली राहत आफत बनती हुई दिखाई दे रही है, जहां जिलाधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों का जरा भी पालन नहीं किया जा रहा, तो वहीं सड़कों पर पहले दिन ही जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का आदेश दिए हैं। आदेशों का पालन कराने के लिए प्रदेश सरकार अपने अधिकारियों पर पूरा भरोसा कर रही है, तो वहीं अधिकारी भी लगातार लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सख्ती बरत रहे हैं। लॉकडाउन के तीसरे चरण में बाजार की दुकानों को खोलने के लिए नियम रखे गए हैं, लेकिन व्यापारियों को इन नियमों से जरा भी सरोकार नहीं है, जिसके चलते काशीपुर में सड़क के दोनों तरफ की दुकानों को खोल दिया गया। इतना ही नहीं, बाजार में लॉकडाउन के तीसरे चरण के पहले ही दिन जाम की स्थिति देखने को मिली। बता दें कि कोरोना वायरस के चलते काशीपुर से लगी विधानसभा बाजपुर और रुद्रपुर में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, जिससे साफ प्रतीत होता कि काशीपुर के व्यापारी कोरोना वायरस को न्योता दे रहे हैं। जिलाधिकारी के आदेशों का पालन न होता देख काशीपुर प्रशासन ने व्यापार मंडल के साथ बैठक आयोजित की, जिसमें जिलाधिकारी के आदेशों का पालन कराने के लिए व्यापार मंडल से सहयोग की अपील की गई है। फार्मूला लागू किया गया, क्या क्या व्यापार मंडल को सुझाव देते हैं? देखिए, व्यापार मंडल को दिशा निर्देश जो हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं, उसके बारे में अवगत करा दिया गया है। इसमें हमारा सिंपली निर्देश यह है कि जो बाजार है उसमें एक तरफ की लाइन एक दिन खुलेगी और एक तरफ की लाइन एक दिन खुलेगी, इसके बारे में सभी लोग इसमें सहमति रखते हैं। बाकी जो हमारा जो अंदर का ट्रैफिक का मूवमेंट रहेगा, गाड़ियां कहां पार्क होंगी, उसके बारे में भी लोगों को बता दिया गया है। तो आज और कल का दिन हमारा इनको समझाने में लगेगा, कल से हमारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी। लोग बाग इस बारे में प्रॉपर सहयोग हमें कर रहे हैं। सर, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग अगर कोई उल्लंघन, ने स्पष्ट कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना व्यापारियों का कर्तव्य होगा, और उसमें अगर ऐसा लगेगा कि वो नहीं करा पा रहे हैं या जानबूझ के इसका पालन नहीं कर रहे हैं, केवल अपने व्यापारिक मुनाफे की तरफ देख रहे हैं, उस पर फिर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन जहां हम ये देखेंगे कि वो कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन पब्लिक नहीं मान रही है, उस परिस्थिति में हम जो नहीं कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग पब्लिक वाले, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कल जनपद में दुकानों के खुलने के संबंध में आदेश किए गए हैं, जिसमें 50% दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी। इस संबंध में व्यापार मंडल को सूचित करने के लिए और उनका फीडबैक लेने के लिए आज की मीटिंग की गई थी। व्यापार मंडल के संबंध में चर्चा की गई थी, क्योंकि आज पहला दिन था, इसलिए सब लोगों को जानकारी नहीं थी कि किस तरीके से दुकानें खोली जानी है। इस संबंध में उन सबको स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि दुकानों को खोलने का क्रम किस प्रकार होगा और उनको कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। इसमें सैलून प्रतिबंधित रहेंगे, रेस्टोरेंट प्रतिबंधित रहेंगे, बार्बर शॉप प्रतिबंधित रहेंगी, और किसी भी प्रकार का पके हुए खाने की बिक्री ठेले से वो भी प्रतिबंधित रहेगी। सभी व्यापार मंडल के थ्रू सभी दुकानदारों को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना अनिवार्य होगा, और इस संबंध में पहले भी जिलाधिकारी महोदय के आदेश आ चुके हैं, अभी उनको बताया जा रहा है, पर यदि फिर भी बार बार बोलने के बावजूद यदि अनुपालन नहीं होता है तो दांडिक कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश अभी 17 मई तक के लिए आदेश लागू किया गया है।